जय जगन्नाथ। दिल्ली ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ जगन्नाथ धाम पुरी में, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होने वाला है 2024 का। अगर आप लोग रथ यात्रा में शामिल होना चाह रहे या प्लानिंग की है रथ यात्रा देखने के लिए आने की, तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं जो रथ यात्रा का पूरा कार्यसूची है इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसे कि रथ यात्रा कौन सा दिन में है, बावड़ा यात्रा कौन सा दिन में है, सोना बेस आपको कौन से दिन में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस ब्लॉग में आप लोगों को रथ यात्रा के बारे में मिल जाएगी। ब्लॉग को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है दिलूस ब्लॉग। चलिए अभी चलते हैं जगन्नाथ धाम। अभी हम पुरी पहुंच गए, चलिए अभी जान लेते हैं आप लोग पुरी कैसे आएंगे। पुरी आने के लिए सबसे आसान तरीका है रेल मार्ग। भारतीय रेल से आप लोग पुरी पहुंच सकते हैं। पुरी में रेलवे स्टेशन है, भारत के हर छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आप लोगों को पुरी के लिए मिल जाएगा। पुरी में एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट के बारे में आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। पुरी अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे तो पुरी रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर आएंगे तो मंदिर के लिए आप लोगों को ई रिक्शा मिल जाएगा। पुरी रेलवे स्टेशन से मंदिर का दूरी है 2 से 2.5 किलोमीटर। आप लोग ई रिक्शा से 20 से 30 रुपया दे के 15 से 20 मिनट में आप लोग मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग बस से आना चाह रहे तो आसपास शहरों से पुरी के लिए डायरेक्ट बसेस भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर पुरी के लिए आप लोगों को ट्रेन नहीं मिलता है तो आप लोग ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर आ सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी का दूरी है लगभग 60 से 65 किलोमीटर के आसपास। पुरी में एयरपोर्ट नहीं है, भुवनेश्वर में एयरपोर्ट है, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और स्टेशन का सुविधा भी है। इस दोनों जगह से आप लोगों को बस पुरी के लिए मिल जाएगा। 100 से 150 रुपया देके बस में आप लोग भुवनेश्वर से पुरी पहुंच सकते हैं। अगर प्राइवेट टैक्सी से भुवनेश्वर पुरी आप लोग जाना चाह रहे तो 1.5 से 2 हजार रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। अब ये सामने देखिए पुरी का रेलवे स्टेशन। पुरी रेलवे स्टेशन से जब आप लोग बाहर आएंगे तो आप लोगों को होटल कहाँ लेना है। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पुरी में रुकना चाहते हैं, रथ यात्रा में शामिल होना चाह रहे, तो प्रशासन के तरफ से पुरी स्टेशन के पास टेंट किया गया है, फैन वगैरह लगा हुआ है, वहाँ आप लोग रात में ठहर सकते हैं। कॉमन टॉयलेट वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग होटल में रुकना चाह रहे तो पुरी में जितना भी गली हो हर जगह आपको होटल मिल जाएगा। गलियों में आप लोगों को होटल 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप लोग सी बीच वाला भी होटल लेना चाह रहे तो अभी का जो प्राइस है कम से कम 5000, 7000, 10000 अलग अलग प्राइस रहता है, क्योंकि पूरी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों के संख्या में लोग आते हैं, तो अभी होटल आप लोगों को ज़्यादा रेट मिलेगा। मंदिर के पास अगर आप लोग रुकना चाह रहे, बरदान में जितना भी अभी होटल है, पूरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर के बीच दोनों साइड जो यहाँ पर रथ यात्रा होता है, दोनों साइड में जितना भी होटल आप लोगों को मिलेगा बहुत ही हाई रेट में आप लोगों को अभी मिलेगा। अगर आप लोग चाहे वहाँ रुक सकते हैं। बाकियों के सीजन में आप लोगों को 2500-3000 में आप लोगों को बर्दन में भी होटल मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ज़्यादा रेट रहेगा। तो आपके हिसाब से आप जहाँ भी सुविधा है आप लोग रुक सकते हैं। इस साल रथ यात्रा 7/7/2024 को है। जोरों शोरों से रथ यात्रा की तैयारी अभी चल रहा है। चलिए अभी जान लेते हैं रथ यात्रा का जो कार्यसूची है उसके बारे में। अगर अभी आप लोग आ रहे तो दर्शन आप लोग कैसे करेंगे, रथ यात्रा में आप लोग कैसे शामिल होंगे, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेशों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जो लोगों को अनुमति नहीं है जाने के लिए, रथ यात्रा में सब लोगों को अनुमति है देखने के लिए, तो इसीलिए फॉरेनर्स बहुत सारा आते हैं इसमें।
और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। रथ यात्रा इस साल हो रहा है 7/7/2024 को और बाहुड़ा यात्रा हो रहा है 15/7/2024 को। 9 दिन के लिए प्रभु श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। उसके बाद बाहुड़ा यात्रा जो 15 तारीख मैंने बताया था, आने के बाद बड़दांड में रथ रुकता है, सुना वेश होता है, सबसे सुंदर वेश होता है प्रभु जगन्नाथ के, जो इस साल 17/7/2024 को हो रहा है। उसके बाद 18/7/2024 को अधरपणा है और नीलाद्री विजय प्रभु, ये जो पूरा आपको कार्यसूची बताया उसका समाप्ति होता है। प्रभु फिर श्री मंदिर जाते हैं। 19/7/2024 को प्रभु नीलाद्री विजय करेंगे। उसके बाद 20 तारीख से आप लोगों को प्रभु जगन्नाथ मंदिर में आपको प्रभु जगन्नाथ के दर्शन मिलेगा। तीनों रथ को श्री मंदिर के सामने रखा गया है। रथ का पूरा काम अभी समाप्त हो गया है। कल सुबह के लिए अभी तैयारी चल रहा है। लाखों की संख्या में पूरी में लोग अभी है और भी लाखों की संख्या में लोग कल आएंगे। अगर आप लोग रथ यात्रा में शामिल होना चाह रहे तो इसी समय के अनुसार आप लोग पहुंच सकते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं आसपास शहरों से अगर पर्सनल गाड़ी से आ रहे, बस से आ रहे या पर्सनल टू व्हीलर लेके आ रहे तो पूरी प्रशासन के तरफ से जो व्यवस्था किया गया है इसमें सब है। आप लोग जूम करके देख सकते हैं कहाँ आपको गाड़ी पार्किंग करना है, किस रूट से आप लोगों को आना है, पूरी जानकारी इसमें दिया गया है। इतना खूबसूरत सा भी उतना पास से आप लोग देख रहे हैं। शिव मंदिर के सामने तीनों रथ का अभी रखा गया है। अभी रथ के ऊपर जाने के लिए तैयारी चल रहा है। कल सुबह जब रथ यात्रा शुरू होगा प्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बड़ा भद्रा और बहन सुभद्रा के साथ रथ में विराजमान होंगे। लाखों की संख्या में लोग अपेक्षा में है, कल इस सुंदर सा घड़ी को लोग आंखों में देखेंगे। अगर आप लोग रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आप मोबाइल बैग वगैरह लॉकर में रख सकते हैं, नहीं तो होटल में रख के आ सकते हैं। अगर मोबाइल आप लोग लेके आए तो सावधानी से रखिएगा क्योंकि भारी मात्रा में रथ यात्रा में चोरी होता है। अगले साल मेरा फ़ोन गुम हो गया था, मैं उसको नहीं मिला, तो इसलिए आप अगर आ रहे तो आपका सामान वगैरह सावधानी से रखिएगा और भारी मात्रा में भीड़ होता है उससे भी बच के रहिएगा। ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। रथ यात्रा के बारे में इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दिया हूँ। अगर आप लोग रथ यात्रा में आ रहे तो इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल रथ यात्रा में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ कमेंट में जरूर लिखिए।